कौन लोग दे रहे हैं इसी के साथ ही भी एक लीजिए सवाल के साथ के श्री यार साहब ने खुद सुनील के फ्लोर पे कहा कि आई मीन खिताब होगा जोहर साहब ने कहा कि मेरी से इस्तीफा दिया लंबा ट्वीट उन्होंने कर दिया है उसके अलावा मरवा साहब कुछ बोल रहे हैं अगर इख्तलाफात नहीं है तो तुम दोनों को बुला लिया सवाल और ले ले आजकल ये इतने मैंने दे रहे हैं कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगे ये बैन होने जा रही है ये नई बातचीत हो रही है ये क्या मामला है असली मामला एक है जो अजब इस्तेकाम ख्वाजा आसिफ बाइडन के कहने में पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं हमारे पुलिस वाले हमारे अफवाज इनको शहादा बनाने वाले हैं हमारे कल एक सेनेटर साहब की शहादत हुई है गेम सारी ये है स्टूपिड खबरें चलाते हैं और पीछे से हमें पता है खबरें कौन चला रहा है गेम सारी ये है कि आवाम को बुद्धू बनाओ महंगाई तो है ही नहीं बिजली के बिल तो है ही नहीं पानी का क्या मसला है गैस का क्या मसला है पेट्रोल इंशाल्लाह उमर भाई ने आपको बताया था 1 अगस्त से 80 रुपये फी लीटर महंगा हो रहा है असली गेम ये चल रही है इनकी नाकामी शेर अफजल ने हेयर पिन लगा लिया शानदाना ने दुपट्टा रंग बदल दिया जी उसके जूते बदल गए ये कोई खबरें खुदा का खौफ करें बिल्कुल हर पार्टी में समझदार लोग होते हैं और जवान लोग होते हैं समझदार लोग चाहते हैं कि पार्टी भी चले और जो जवान होते हैं वो थोड़े पागल होते कहते हैं कि पहले खान को निकालो इसमें कोई बुरी बात नहीं है हमारी आवाम भी ये चाहती है लेकिन ये जो ड्रामा हो रहा है ये सिर्फ इसलिए कि जो अमेरिका से पैसे लिए जो पाकिस्तान पे तकलीफ ढानी है पहले फ़िलिस्तीन को बर्बाद किया यूक्रेन को अब हमारी बारी है नहीं करने देंगे इसमें कोई बात नहीं है ना इत्तेफाकी कि सारा झूठ है वरना मैं पागल ही दे रहा हूँ मैं तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मुझे की क्या ज़रूरत है किसी आने की लेकिन खान ने बुलाया हम आए 100 दफ़ा बुलाएंगे 100 दफ़ा आएंगे इस वक्त हम ढीट हो चुके हैं हम सब पे कम अज़ कम 40-40 पर्चे हैं अगर इनको लगता है कि धूप में खड़ा करने से बल्कि इनको तो शर्म आनी चाहिए मीडिया खड़ी है खातून खड़ी है टेंट यहाँ नहीं है मीडिया को वहाँ से यहाँ फेंक दिया टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं सड़क का हाल देखिए ये तो पंजाब का हाल है खुद को नहीं संभाल सकते हम पे ने से रखिए को अपने आप को संभालो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों ही खानदान से हो दोनों नालायक हो अपने को संभालो हमारा गम ना करो शुक्रिया यहाँ पे मैं आखिर में ये बात करूंगा आपने कहा था पार्टी बैन कर इनका मैं इनका बाप भी नहीं बैन कर सकता ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है हम लोग इधर हैं और रहेंगे इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे हर जगह पे बहुत शुक्रिया